ओके तो ये है OnePlus 9R और ये है OnePlus 9R T। ऊपर ऊपर से देखो तो आपको सिर्फ एक कैमरा लेंस का डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन अंदर से पिक्चर काफी अलग है। और आई एम श्योर आप कंफ्यूज भी होगे, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक भी किया है। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास हैं। तो आज के OnePlus 9R T वर्सेस OnePlus 9R के FAQ स्टाइल कंपैरिजन में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं कर दूंगा, और एंड तक आते आते आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके लिए कौन सा फोन बेटर है। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो कैशिफाई टेक बाइट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेस दैट रेड बटन और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मैं आपकी फीड में बार बार आता रहूं। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो राइट ऑफ द बैट दोनों ही फोन्स में पीछे गोरिल्ला ग्लास मिलता है और बॉडी बनी एल्यूमिनियम से, तो आपको लगेगा नहीं कि डाउनग्रेड है। इनफैक्ट 9RT का जो टेक्सचर्ड ग्लास बैक है काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है, और 9R के ग्लॉसी बैक के कंपैरिजन में स्मजेस भी नहीं आते, तो विच इज क्लियरली एन अपग्रेड। ओके, इवन दो इन दोनों फोन्स में ऑफिशियली IP रेटिंग नहीं मिलती है, बट इन दोनों ही फोन्स में थोड़ा थोड़ा वाटर रेजिस्टेंस का काम हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ये सिम ट्रे निकाल के देखोगे तो वहां पे आपको एक रेड रबर सील दिखेगी, विच मीन्स के OnePlus ने इंटरनली तो काफी सारे मेजर्स लिए हैं, बट उन्होंने IP सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो आप इसको थोड़ा बहुत रेन में यूज कर पाओगे, बट आपको कॉशियस रहना है क्योंकि वाटर डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता। और हेडफोन जैक तो बीते कल की सी बात होगी, मोस्ट फ्लैगशिप में आपको कहीं भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, इन दोनों फोन्स में भी नहीं है। वैसे सही कहते हैं, OnePlus इज क्विकली बिकमिंग द एप्पल ऑफ एंड्रॉइड। अगर आपने नोटिस किया हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिम ट्रे निकाल के दिखाई, उसमें कहीं भी मेमोरी कार्ड की जगह नहीं। तो आप जो भी फोन खरीदोगे, चाहे वो 128GB का हो या 256GB का हो, स्टोरेज वही रहेगी, एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। अब डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम है। दोनों ही फोन्स में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है विद 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट। तो ऐप ड्रॉअर में स्क्रॉल करना हो या सेटिंग्स में जाना हो, आपका एक्सपीरियंस एकदम बटरी स्मूथ होगा। गेम्स वगैरह भी अच्छे से चलेंगी, बट वो सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे BGMI है, उसमें 90Hz मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है ये दोनों फोन्स। अब जैसे डिस्प्ले सेम है दोनों फोन्स की, डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी है। अब जैसे 9RT और 9R दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, तो आप काफी सेफ फील करोगे, बट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लेना, ताकि आप जब 2 साल बाद इस फोन को बेचोगे कैशिफाई पे तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। अभी तक OnePlus सिर्फ अपने फोन के नाम के पीछे टी लगाता था, जैसे कि OnePlus 9R एंड OnePlus 9R T, लेकिन इस बार इन्होंने चार्जिंग में भी टी लगा दी है। जैसे 9R में 65 वॉट की चार्जिंग मिलती है, वहीं 9R T में मिलती है 65T। तो आप सोच रहे होगे दोनों में ही 60 वॉट चार्जिंग है, तो डिफरेंस क्या है आखिर? वेल, मैं समझाता हूँ। बस डिफरेंस खाली इतना सा है कि 9RT के अंदर जो बैटरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 65 वॉट की सेम चार्जिंग होने के बाद भी जल्दी चार्ज हो पाता है विद इन जस्ट 29 मिनट्स। अब हो सकता है उन्होंने चार्जर में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हों, बट आपके लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि 9RT जल्दी चार्ज हो जाएगा 9R के कंपैरिजन में। नो डाउट दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले एकदम क्रिस्प है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के संग HDR 10 प्लस भी सपोर्ट करते हैं दोनों ही फोन्स, तो HDR कंटेंट एकदम क्रिस्प और ब्यूटीफुल लगेगा। इनफैक्ट मैं आपको दोनों फोन्स में HDR कंटेंट प्ले करके दिखाता हूँ, आप ही देखो आप डिफरेंस बता पाते हो या नहीं। नाइन आर टी और 9R दोनों में ही 8-bit पैनल देखने को मिलता है, अनलाइक देयर ब्रदर 9 Pro, जहां पे 10-bit का पैनल है। और इवन दो आप साइड बाय साइड भले ही डिफरेंस बता दो, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पैनल खराब है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और आप साइड बाय साइड शायद डिफरेंस ना भी बता पाओ, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊं। इन दोनों ही फोन्स में ऑप्टिकल इनस्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिल जाता है, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो इनकी पोजीशनिंग में। अगर आप यहाँ पे देखोगे OnePlus 9R का जो सेंसर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो कंफर्टेबल फील होता है प्रेस करने में, बजाय 9RT के। मेरे ओपिनियन में 9RT थोड़ा सा नीचे है और थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है फिंगरप्रिंट को यूज करने के लिए।
इवन दो वन प्लस 9 प्रो में 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, 9RT और 9R में ची वायरलेस चार्जिंग तक का सपोर्ट नहीं है। लेकिन आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको 65 वॉट वायर्ड चार्जिंग की आदत लगी तो कभी भी आप ची वायरलेस चार्जिंग के लिए 2.5 घंटा नहीं निकाल पाओगे। नाइन आर टी और 9R दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो बहुत अच्छा साउंड करते हैं। एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग बजा के दिखाता हूँ, क्योंकि एपी डिल्लो बजाऊंगा तो हमारे बॉस बोलेंगे कि कैंदी उंदी सी कॉपीराइट दिला दिया। इवन दो 9RT में स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, जो कि नोटोरियस है ओवररेटिंग इश्यूज के लिए, लेकिन अभी तक की हमारी टेस्टिंग में हमने कोई भी ओवररेटिंग इश्यूज नहीं देखे इन दोनों फोन्स में। तो एक गेम मैंने दोनों फोन्स में खेला और टेम्परेचर्स कुछ इस तरह है। OnePlus 9R 38 डिग्री सेल्सियस पे और OnePlus 9RT भी 38 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन असली टेम्परेचर पीछे से पता चलता है। तो बैक साइड पे देखते हैं कितना टेम्परेचर है। तो बैक साइड पे OnePlus 9R का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और 9RT का भी है 36 डिग्री सेल्सियस। और इवन दो 9RT का वेपर चेंबर 59% बड़ा है OnePlus 9 Pro से, वो 9R से कितना बड़ा है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फोन्स में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। एक CPDD टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना फर्क आता है दोनों फोन्स में। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है, आपको रियल लाइफ में शायद पता भी ना चले, बट इस टेस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ रैंडम राइट एक ऐसी जगह है जहाँ पे OnePlus 9RT थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पाता है, बाकी सारे एस्पेक्ट में OnePlus 9R बेटर है। इवन दो OnePlus 9R पुराना फोन है, इसमें आप ज्यादा पैरेलल एप्स चला सकते हो बजाय 9RT के, क्योंकि इसके अंदर कलर ओएस इंस्पायर्ड ऑक्सीजन ओएस आता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 एप्स का सपोर्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। फाइव जी की अगर हम बात करें तो 9RT काफी ज्यादा बेटर है 9R के कंपैरिजन में, क्योंकि इस फोन में आपको 9 फंक्शनल 5G बैंड्स मिलते हैं और इसमें सिर्फ मिलता है एक बैंड। और 2023 में जब 5G एक्चुअली में रोल आउट होगा तो उस टाइम पे आपके लिए 9RT काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और 5G तो जब आएगा तब आएगा, अभी के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 4G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन। इन दोनों ही फोन्स में मैंने नेट मॉन्स्टर इंस्टॉल करके देखा और मुझे पता चला दोनों ही फोन्स में 2CA सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, और स्पीड टेस्ट भी करा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, आई एम श्योर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्रेस दैट रेड बटन। OnePlus 9RT और 9R दोनों में ही लीनियर एक्चुएटर हैप्टिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल वाइब्रेशनल मोटर से काफी ज्यादा बेटर फील होते हैं। और इवन दो हमने दोनों फोन्स को साइड बाय साइड टेस्ट करके देखा, हमें इन दोनों फोन्स में ज्यादा फर्क नहीं पता चला। तो बोलने को तो 9RT में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 9R में 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट नॉर्मली जब भी आप फोटोज खींचते हो तो ये फुल रेजोल्यूशन में नहीं खींचते। तो अगर आपको फुल रेजोल्यूशन में फोटो खींचनी है तो आपको कैमरा सेटिंग्स में मैनुअली इनेबल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप खींच पाओगे। और साइड बाय साइड ये कंपैरिजन देखो इन दोनों फोटोज का कैसे लगते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दोनों ही फोन्स 4K 60fps में शूट कर सकते हैं। बट कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है अगर आपको पोर्ट्रेट मोड के संग वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और इवन दो ये ऑप्शन दोनों ही फोन्स में मिल जाता है, बट आइकन्स अलग अलग हैं। ये देखो, जैसे 9RT में ये वाला आइकन है और 9R में दूसरा। बट एक चीज जो सबसे अच्छी है वो ये है कि आप 9RT में एक्चुअल बोके की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, जो कि 9R में ऑप्शन नहीं मिलता है। और मैक्स रेजोल्यूशन दोनों ही फोन्स का 1080p 30fps है पोर्ट्रेट मोड के साथ।
इवन दो दोनों ही फोन के मेन सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे सिर्फ OnePlus 9R है जो OIS का एक्चुअली में यूज करता है। OnePlus 9RT EIS यूज करता है, और ये बताता हूं मैं कैसे पता चला हमें। अगर आप कैमरा ऐप के अंदर जाओ और अल्ट्रा स्टेबल मोड को ऑन करो तो OnePlus 9RT ऑटोमेटिकली 1080p पे स्विच हो जाता है और वहीं 9R 4K में रिकॉर्ड कर सकता है। Dolby Atmos का सपोर्ट दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है, लेकिन 9RT में 8 अलग अलग प्रोफाइल्स हैं और 9R में सिर्फ 3, which is fine I guess, अगर आपको सिर्फ म्यूजिक वगैरह सुनना है तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब दोनों ही फोन्स में Google डायलर मिलता है, तो जब भी आप कॉल्स रिकॉर्ड करोगे तो एक डिस्क्लेमर सुनाई देगा दोनों ही पार्टीज को कुछ ऐसा, लेकिन उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो तो आप ये सेटिंग इनेबल कर सकते हो। उसके बाद अननोन कॉलर्स की हमेशा कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, और अगर आपको चाहिए कुछ सिलेक्टेड यूजर्स की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना तो आप उसको भी ये इनेबल करके कर सकते हो। OnePlus 9RT और OnePlus 9R दोनों में ही BGMI की सेटिंग्स एकदम सेम है, और आप अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ गेम्स खेल पाओगे और HDR ग्राफिक्स में एक्सट्रीम FPS के साथ खेल पाओगे। तो ये था हमारा कंप्लीट FAQ स्टाइल कंपैरिजन OnePlus 9RT वर्सेस OnePlus 9R का। आई होप आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गया होगा कि 9RT और 9R में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। 9RT और 9R का फुल कंपैरिजन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, और टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो #AskCashify से आप पूछ सकते हो। और जाने से पहले एक बार राजकुमार राव की भी बात मान लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।